कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया। व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात की गई और कतिपय कार्यों को कहने के लिए कहा जाता था। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संजय करोल बनकर फोन करने वाले अभिषेक अग्रवाल को लेकर आज पुलिस मुख्यालय में एडीजी जेएस गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। एडीजी के अनुसार मामला ठगी और धोखाधड़ी का है, जिसमें डीजीपी की तरफ से आर्थिक अपराध इकाई को सूचना दी गई थी और इसमें 5 सदस्यीय टीम बनाई गई। कई तरह की जांच अलग अलग यूनिट के माध्यम से चल रही है और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं एडीजी जेएस गंगवार, पहले आप वो सुने। आर्थिक अपराध इकाई जो हमारी विशिष्ट इकाई है, आर्थिक अपराध के मामलों में भी और साइबर क्राइम के मामलों में भी आर्थिक अपराध इकाई एक विशिष्ट अंग है बिहार पुलिस का। उसको ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी हाईकोर्ट के जजेस के नाम पर छद्म दुरुपयोग कर एक मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा डीजीपी बिहार और अन्य वरीय पदाधिकारियों को मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए अपनी बात कहते हैं। इस आशय का पत्र डीजीपी साहब ने 14 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को उपलब्ध कराया और इस पत्र में उनके द्वारा लिखा गया कि उनके सरकारी मोबाइल पर एक दूसरे मोबाइल संख्या जिसमें जिसके डिस्प्ले पिक्चर में मुख्य न्यायाधीश माननीय पटना उच्च न्यायालय का फोटो लगा हुआ है के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात की गई और कतिपय कार्यों को कहने के लिए कहा जाता था। बोलने वाले व्यक्ति के स्वर यानी उसके टोन और बोलने के तरीके से मामला संदिग्ध होने के कारण उक्त मोबाइल संख्या 9709300397 का सत्यापन कर शीघ्र अग्रतर कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया। उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही गुप्त सूचना और जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में 5 सदस्यों की स्पेशलाइज्ड टीम का गठन किया गया। मोबाइल नंबर का जब सत्यापन किया गया तो ये पता किया गया कि इस मोबाइल का जो सिम है वो वोडाफोन कंपनी का है। वोडाफोन कंपनी से जब बात की गई तो इसके जो धारक यानी जो कैफ निकाला गया, कंज्यूमर एप्लीकेशन जो सिम लेते समय जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें धारक का नाम राहुल कुमार पता चला और जो कि पटना सिटी का एड्रेस पाया गया। उसके बाद अग्रतर जांच, सत्यापन और छापामारी करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा उद्भेदन कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस उपाधीक्षक भास्कर रंजन के जांच रिपोर्ट और उनके सत्यापन के आधार पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 33/22 दिनांक 15 अक्टूबर दर्ज किया गया, जिसमें कि विभिन्न धाराएं, गंभीर धाराएं, ठगी, धोखाधड़ी और सरकारी कार्य में बाधा लगाई गई हैं। साथ ही साथ आईटी एक्ट का भी समावेश किया गया है, धारा 66C और 66D आईटी एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया। इस कांड का अनुसंधान भी एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त अभिषेक अग्रवाल उर्फ अभिषेक भोपालिका, उम्र लगभग 42 वर्ष, मोहल्ला नागेश्वर कॉलोनी अजय निलियम अपार्टमेंट थाना बुद्धा कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया। यही वह संदिग्ध व्यक्ति पाया गया है अभी तक की जांच में, जो व्यक्ति छद्म दुरुपयोग कर कॉल किया करता था। उसके अलावा गौरव राज, उम्र लगभग 24 वर्ष, ये हमाम लेन गुरहट्टा थाना खाजे कला पटना के रहने वाले हैं और ये मोबाइल सिम के दुकानदार शुभम कुमार, उम्र 20 वर्ष, इनका पता है दीवान मोहल्ला, ये भी थाना खाजे कला के रहने वाले हैं। और ये राहुल रंजन के जो मोबाइल शॉप है उसका स्टाफ है।
राहुल रंजन जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया, इनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। और ये मिस्टर गैजेट मोबाइल शॉप पूर्वी बोरिंग रोड कैनाल रोड के मालिक हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं दो सिम जो थे वो उनको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से भी मोबाइल और सिम सहित जब्त किए गए। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस कांड में नामजद अभियुक्तिकरण में श्री आदित्य कुमार जो पदाधिकारी हैं पुलिस अधीक्षक रैंक के, उनको भी नामजद किया गया है। इस कांड में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। अभियुक्तों को पुनः रिमांड पर लेकर उनकी फॉरेंसिक जांच करने, जो अभी तक सामान जब्त हैं उसकी डिजिटल फॉरेंसिक करने या जो भी तकनीकी साक्ष्य हैं एकत्रित करने, उसकी कार्रवाई की जाएगी। अनुसंधान के क्रम में अभी तक जो बात प्रकाश में आई है उसमें यह बात स्पष्ट रूप से आई है कि अभिषेक अग्रवाल का पुराना आपराधिक इतिहास रहा और ये इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में पहले भी लिप्त रहे। दिल्ली के कमला मार्केट थाना कांड संख्या 43/2021 दिनांक 16 मार्च 2021 धारा 419 भादवी में गिरफ्तार होकर के जेल भेजे गए थे। इसके अलावा भागलपुर जिला के कहलगांव थाना कांड संख्या 543/2014 में भी इसी प्रकार के आपराधिक मामलों में आरोप पत्रित रहे हैं। अब हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि उस पुराने आरोप पत्रित कांडों में जहाँ तक संभव है इनको शीघ्र स्पीडी ट्रायल कराने के बाद इनको सजा दिलाई जाए और इनके पुराने मामलों में जहाँ तक संभव होगा बेल कैंसिलेशन की भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो नया मामला अब इनके खिलाफ में दर्ज हुआ है उसमें भी अब त्वरित अनुसंधान करके हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान की टीम कार्रवाई कर रही है। तो आपने सुना, जेएस गंगवार ने सीधे तौर पर कहा है कि अभिषेक अग्रवाल के पास से जो सामान बरामद हुए हैं उसकी जांच चल रही है और लगातार इस मामले की पर पुलिस की पैनी नज़र है, आर्थिक अपराध इकाई इस पर नज़र रख रही है और पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए हैं कि उसके पहले से भी आपराधिक इतिहास थे, यानी कि पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है अभिषेक अग्रवाल का। और एक आईपीएस अधिकारी को बचाने के लिए डीजीपी को मुख्य न्यायाधीश बनकर फ़ोन कर रहे व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा और इस मामले में अब पुलिस लगातार अनुसंधान कर नए नए जो खोज हैं वो कर रही है और नए नए कनेक्शन तलाश रही है जिस पर आगे की कार्रवाई होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एसजी न्यूज़ के साथ और देखते रहे एसजी न्यूज़।